नमस्कार दोस्तों, टेक्नो ने अपना सबसे पहला 5G स्मार्टफोन आज इंडिया पे लॉन्च कर दिया है और जिसका नाम है टेक्नो पोवा 5G। और ये जो स्मार्टफोन वो इंडिया पे लॉन्च हुआ है एग्जैक्टली 20,000 रुपए पे। और अगर अभी इसे लेंगे तो टेक्नो कंपनी की तरफ से 2,000 रुपए का पावर बैंक भी फ्री में मिलेगा। खैर वो बात जाने देते, लेकिन ये जो 20,000 रुपए प्राइस पॉइंट एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में इंडियन ब्रांड की तरफ से अवेलेबल है लाभा ओग्नि 5G नाम का स्मार्टफोन, जो कि बहुत ही बढ़िया 5G स्मार्टफोन है। तो इस वीडियो में देखेंगे एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में ये दोनों 5G स्मार्टफोन के बीच में कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो में भी मैं बाकी कंपैरिजन वीडियो का जैसा गिव अवे रखने वाला हूं, उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जानने के लिए वीडियो प्लीज पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो टेक्नो पोवा 5G सिर्फ एक ही कलर पे लॉन्च हुआ है जो कि ईथर ब्लैक, मतलब टोटली ब्लैक कलर पे लॉन्च हुआ है। और ये जो लाभा ओग्नि 5G ये हमें सिर्फ एक ही कलर पे मिलता है जो कि फायरी ब्लू, मतलब नॉर्मल ब्लू कलर पे लॉन्च हुआ है। तो अगर दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन के पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट मतलब नॉर्मल प्लास्टिक बैक कवर आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के डायमेंशन। तो टेक्नो का थिकनेस है 9.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 205 ग्राम, और लाभा का थिकनेस है 9.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 204 ग्राम। देखिए इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, टेक्नो पे आपको ज्यादा बैटरी मिल रहा है इसी वजह से इसका जो वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन लाभा पे आपको तो बैटरी कम मिल रहा है लेकिन फिर भी इसका जो वेट वो प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा है। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के डिस्प्ले की अगर बात करें, टेक्नो में आपको मिलेगा 6.9 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले, इसमें आपको मिलेगा 180Hz का डिस्प्ले रेट। लाभा पे आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले, इसमें आपको मिलेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट। टेक्नो और लाभा दोनों पे आपको 89% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। टेक्नो पे आपको कोई भी डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन लाभा पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम दोनों के डिस्प्ले के कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो टेक्नो और लाभा दोनों पे आपको 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलेगा। तो मतलब इधर हम ये चीज समझ पाते अगर हम ओवरऑल डिस्प्ले साइज और रिफ्रेश रेट की अगर बात करें उस मामले में जो टेक्नो वो डेफिनेटली बेटर है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के प्रोसेसर। ये जो टेक्नो पोवा 5G इसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, और जो लाभा ओग्नि 5G उसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर, वो भी 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। लेकिन अगर हम अनटूटू स्कोर के बारे में बात करें, लाभा ओग्नि 5G का अनटूटू स्कोर है 385,000 और जो टेक्नो पोवा 5G उसका अनटूटू स्कोर है 492,000, जो कि 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट की सबसे काफी ज्यादा है। और अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें उस मामले में डेफिनेटली लाभा के मुकाबले बहुत ही ज्यादा आगे। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के कैमरे की अगर बात करें, टेक्नो पे आपको मिलेगा 52 और एक AI सेंसर बैक साइड में, उसके साथ क्वाड LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा और उसके साथ डुअल LED फ्लैश। जो लाभा ओग्नि 5G उसमें आपको मिलेगा 64, 5, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा और उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। तो मतलब अगर हम ओवरऑल कैमरा सेटअप की बारे में बात करें, मतलब ओवरऑल बेटर क्वालिटी कैमरा सेटअप की बारे में बात करें, उस मामले में जो लाभा वो डेफिनेटली बेटर है। तो इसके बाद अगर हम दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, इधर तो दोनों ही स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है जो कि 8GB रैम 128GB मेमोरी। जो टेक्नो का स्मार्टफोन उसमें आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट, मतलब 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड हम सेम टाइम में इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन लाभा पे आपको 1+1 कार्ड स्लॉट मिलेगा, यह पे जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन। तो नेक्स्ट अगर हम उनके रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें, इधर ही दोनों के बीच में एक मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो लाभा ओग्नि 5G उसमें आपको मिलेगा LPDDR4X क्वालिटी का रैम और उसके साथ UFS 2.1 क्वालिटी का इंटरनल स्टोरेज। लेकिन अगर हम टेक्नो के बारे में बात करें, ये एक्चुअली इस प्राइस पॉइंट का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको LPDDR5 क्वालिटी का रैम और उसके साथ UFS 3.1 क्वालिटी का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो मतलब इसका जो परफॉर्मेंस वो प्राइस रेंज के हिसाब से टोटली अनबीटेबल होगा। तो नेक्स्ट अगर दोनों के ऑडियो की अगर बात करें, दोनों पे आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, किसी भी स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, टेक्नो पे आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी उसके साथ 18W का चार्जर, और जो लाभा उसमें आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी और उसके साथ 33W का चार्जर। दोनों स्मार्टफोन में जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा चूज करना चाहेंगे, मतलब कि आप ज्यादा बैटरी की तरफ जाना चाहेंगे या फिर फास्टर चार्जर की तरफ जाना चाहेंगे, ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट अगर दोनों के पोर्ट्स की अगर बात करें, दोनों पे आपको 3.5mm जैक मिलेगा,
दोनों पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो अगर दोनों के ओएस की बारे में बात करें, दोनों पे आपको करेंटली एंड्रॉइड 11 मिलता है। टेक्नो पे आपको मिलेगा हाई ओएस वर्शन 8 जो कि कस्टम यूजर इंटरफेस है। लावा पे आपको मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड। और जो लोग स्टॉक एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो लावा डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया चॉइस है। और फाइनली अगर दोनों के प्राइस के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुआ है जो कि 8GB 128GB मेमोरी, प्राइस है 20,000 रुपए। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूशन की, तो इस जगह मैं सिंगल चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि दोनों के बीच में एग्जैक्टली कौन कौन सा डिफरेंस। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में लावा ओग्नि 5G के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी रियर कैमरा सेटअप, 33 वाट का चार्जर और स्टॉक एंड्रॉइड। आपको टोटल 3 एडवांटेजेस देखने को मिलेगा कंपेयर टू टेक्नो पोवा 5G। और अगर हम टेक्नो के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बिगर डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, बेटर क्वालिटी या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस पॉइंट का सबसे बढ़िया गेमिंग सीपीयू, LPDDR5 और UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन, 2+1 कार्ड स्लॉट और बिगर बैटरी। तो देखिए वीडियो के आखिर में ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आज के दिन में आपका बजट है 20,000 रुपए और अगर आप सोच रहे कि सबसे बढ़िया ऑलराउंड 5G स्मार्टफोन लेंगे तो आपको डेफिनेटली इस टेक्नो पोवा 5G स्मार्टफोन के लेना चाहिए। और ये जो समय आपको बोलना भूल ही गया था, ये जो टेक्नो का स्मार्टफोन इसमें आपको 13 अलग अलग 5G बैंड भी देखने को मिलेगा। और इस जगह मैं आपको एक और चीज भी कहना चाहूंगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि टेक्नो का ये जो स्मार्टफोन एकदम बेस्ट चॉइस है। आप देखिए टेक्नो का ये जो स्मार्टफोन एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है और अभी 20,000 रुपए के अंदर इससे बेटर ऑलराउंड 5G स्मार्टफोन और कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर टेक्नो के स्मार्टफोन में बस दो चीज में इंप्रूवमेंट होता जो कि आपका डुअल स्टीरियो स्पीकर और उसके साथ अगर इसमें जो कैमरा अगर वो 64 मेगापिक्सल का होता तो मेरे ख्याल से एकदम नंबर 1 अनबीटेबल स्मार्टफोन होता। तो अभी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये दोनों स्मार्टफोन के बीच में अगर आप कोई 20,000 रुपए के अंदर ऑलराउंड बढ़िया 5G स्मार्टफोन लेना चाहते तो कौन सा लेंगे, लावा या फिर टेक्नो, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हां, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, इस वीडियो में भी मैं पिछले वाले कंपैरिजन वीडियो के जैसा गिव अवे करने वाला हूं। गिव अवे मतलब आपको 5 रुपए के अंदर कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा, फॉर एग्जांपल किसी चीज का रिचार्ज, किसी चीज का वाउचर, 5 रुपए के अंदर कोई प्रोडक्ट, मतलब आपको जो चाहिए मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस गिव अवे का रूल दो ही होगा, पहला इस वीडियो को एक लाइक करना है और अपने कोई ना कोई सोशल मीडिया साइट में इसे एक बार शेयर करना है, और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वीडियो के नीचे एक पॉजिटिव कमेंट करना है जिससे कि यूट्यूब उस कमेंट को ब्लॉक ना करे। उसके बाद जैसे ही इस वीडियो पे टोटल लाइक 100 कंप्लीट हो जाएगा, मैं रैंडम कमेंट पिकर के जरिए आप में से किसी एक का नाम लूंगा और जिसका नाम निकलेगा मैं उन्हें पर्सनली मैसेज करके पूछ लूंगा कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें जो चाहिए होगा मैं वो उन्हें प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यही होगा गिव अवे का रूल और मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।